सब्सक्राइब कीजिए रिएक्शन साथ का बात चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलो जी स्टार्ट कीजिए आगे। हाँ शुरू करेंगे जी, स्टार्ट करें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको आज के इस सेशन में जो कि मुदाफ़त निज़ाम के हवाले से को जानने वाले हैं, किस तरह से डीएक्सएन मसनूआत मुदाफ़त निज़ाम को बेहतरी की तरफ ला सकती हैं, हमें अल्टीमेट हेल्थ की तरफ ले जा सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूँ सालेह मोहम्मद आरिफ, होम्यो फिजिशियन, डीएक्सएन पाकिस्तान मुल्तान से। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम हमारे कंट्री के डिफेंस सिस्टम से किसी भी कंट्री के मिलता जुलता है और उसी तरह से एक्ट करता है जिस तरह किसी भी कंट्री का जो दिफाई निज़ाम है, डिफेंस सिस्टम है, वो काम कर रहा होता है। कोई भी मुल्क है, उसकी सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज संभाल रही होती हैं उसको, देन रेंजर्स अपना कंट्रोल संभाले हुए होती हैं, फिर अंदरूनी मुख्तलिफ एजेंसीज होती हैं, पुलिस हो गई, सीक्रेट एजेंसीज हो गई, देन इंतहाई बुरे हालात में मुख्तलिफ आर्म फोर्सेज, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी वगैरह भी अपना रोल प्ले करती हैं। इसी तरह हमारा जो बॉडी है इसको अल्लाह तबारक तआला ने मुख्तलिफ ऑर्गन, मुख्तलिफ सिस्टम्स दे दिए हैं जो कि मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने देखा कि वहाँ पे मुख्तलिफ इदारे बैक टू बैक काम कर रहे होते हैं, इसी तरह हमारे इम्यूनिटी, हमारा मुदाफ़त निज़ाम जो है उसमें सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर लेयर्स मौजूद होती हैं, जिल्द की ऐसी तहें मौजूद होती हैं जो बैरूनी हमला आवरों को रोकने का काम करती हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसा निज़ाम मौजूद है कि जो पूरे जिस्म में ऐसे फ्लूइड को लेके घूमता है कि जो मनफी हमला आवरों को तलाश करता है, ख़त्म करता है, फासिम मादों को तलाश कर लेता है, उन्हें इखराज करता है जिस्म से। ये सिस्टम जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फ वो मादा होता है, वो फ्लूइड होता है जो ये गर्दिश कर रहा होता है, तो उसकी मुनासबत से इसको लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। ये लिम्फ नोड्स पर मुश्तमिल होता है, स्प्लीन तिली इसका एक हिस्सा है, लिम्फेटिक वेसल्स यानी नालियाँ जिनमें ये घूम रहा होता है उस पर मुश्तमिल होता है, थाइमस जो है ये ग्लैंड है ये भी इसको सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये बुनियादी तौर पे हमारे अंदरूनी मुदाफ़त निज़ाम का एक बड़ा अहम हिस्सा है कि जो किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी हमलावर को, इन्वेडर को काबू कर रहा होता है और उसको सॉर्ट आउट कर रहा होता है। देन अगर हम बात करें बोन मैरो की, तो हमारी हड्डियों के अंदर कुछ ऐसा गुदा मौजूद होता है, कुछ ऐसा टिश्यूज मौजूद होते हैं जो कि तीन चीज़ें पैदा कर रहे होते हैं। एक तो रेड ब्लड सेल पैदा कर रहे होते हैं जिन्होंने पूरे जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई देनी है ताकि वो जिंदा रह सके, तमाम खलियात। फिर दूसरे नंबर पर सफ़ेद खलियात ये बना रहे होते हैं बोन मैरो के अंदर मौजूद स्टेम सेल्स जो कि हमारे मुदाफ़त निज़ाम को के लिए इस्तेमाल होते हैं वाइट सेल्स। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये प्लेटलेट्स बना रहे होते हैं ताकि हमारा जो कोई भी किसी जगह ज़ख्म हो गया, कुछ ऐसा हो गया जो जिससे खून बहना शुरू हो गया तो वो क्लॉटिंग के ज़रिए उसको रोक दें उस बहाव को। तो ये कुछ मुदाफ़ती निज़ाम के अंदरूनी आप कह लें सिस्टम हैं जो काम कर रहे होते हैं। चंद एक का तज़किरा हमने यहाँ पर किया। अब हम मज़ीद स्टेप बाई स्टेप देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं। अगर हम किसी कंट्री का डिफेंस सिस्टम लें तो सबसे पहले जो डिफेंस बैरियर्स जो है वो यूज़ होते हैं, यानी जो हमारा बॉर्डर है उसको कवर करने के लिए वहाँ कैमराज लगाए गए होंगे, बॉर्डर फेंसिंग की गई होगी, खारदार तारें लगाई गई होंगी और देन फिर वहाँ पर रेंजर्स के दस्ते मौजूद होंगे। तो हमारा जिस्म है, इंसानी जिस्म जो है, इसके अंदर भी ऐसे बैरियर्स, ऐसे रुकावटें मौजूद हैं जो कि बैरूनी हमलावरों को रोकने में पहल करती हैं, यानी पहला काम, पहला टकराव उनके साथ होता है। तो उसमें सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन का हमने पहले भी जिक्र किया कि ऐसी झिल्लियाँ मौजूद हैं ऑर्गन्स के हवाले से कि जो किसी बैरूनी हमलावर के हवाले से रोकथाम करती हैं। देन ब्लड ब्रेन बैरियर है, यानी ब्लड के अंदर जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं वो ब्रेन के जो रेलिवेंट आप कह रहे हैं कनेक्शन हैं उन तक पहुँचें, उसके दरमियान एक बैरियर मौजूद है।
देन अगर हम कंट्री डिफेंस की बात करें तो हमेशा लेयर्ड डिफेंस सिस्टम रखा जाता है, यानी बैक टू बैक, एक फ्रंट पे लड़ रहा है तो दूसरा उसके बैक पे लड़ रहा है, फिर तीसरा उसके पीछे है, फिर चौथा उसके पीछे है। तो इसी तरह जैसे हमने जिक्र किया कि बॉर्डर पे जो है रेंजर्स हो सकता है काम संभाल रही हो, पीछे एजेंसी पुलिस वगैरह सीक्रेट एजेंसी संभाल रही होंगी, और फिर तीसरी जो फोर्स है जो इंतहाई हालत खराबी में काम आएगी, वो आर्म फोर्सेज हो सकती हैं। इसी तरह हमारा जो इंसानी निज़ाम है, मुदाफती निज़ाम, वो भी दो बड़े आप कह लें सिस्टम पर मुश्तमिल है। एक कहलाती है इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी सादा जुबान में ऐसा मुदाफती आप कह लें ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा है, कि जो फौरी रिस्पॉन्ड करता है, यानी जैसे ही उसे पता चला कि कुछ मसला हुआ है वो फौरन एक्शन लेगा। लेकिन चूंकि वो बहुत क्विक एक्शन लेगा तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी वो किसी मखसूस एरिया में नहीं होगा या मखसूस टारगेट पर नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी उसके मनफी असरात होंगे, यानी वो आप कह लें उसके अंदर पहचानने की सलाहियत उतनी नहीं है। अटैक जो है वो दूसरी दफा हुआ तो इसको नहीं पता कि ये पहले भी हुआ था, ये आप कह लें इसकी मेमोरी नहीं है, इसकी याददाश्त नहीं है। ये अटैक का जवाब तो जरूर देता है लेकिन याद नहीं रखता कि ये हमलावर पहले भी आ चुका है। इसी तरह चूंकि ये एक्शन फौरी लेता है, विद इन आप कह लें आवर्स ये एक्शन में आ जाता है, मिनट्स एक्शन में आ जाता है, तो इसी वजह से ये जल्दी खत्म भी हो जाता है। ये अटैक, ये जो डिफेंस अटैक है, ये ज्यादा दिन नहीं चलता, ये चंद दिन तक ही जाता है। दूसरी तरफ इससे एडवांस जो इम्यूनिटी है जो अल्लाह तआला ने रखी, वो है अडैप्टिव इम्यूनिटी, यानी कि वो हमारे जो हमलावर हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेती है, इनकी नेचर क्या है, ये किस हद तक स्ट्रॉन्ग हैं, सिर्फ उन्हीं को टारगेट करेगा ये, ठीक है, स्पेसिफिक टारगेट करेगा, फिर उनको अपनी याददाश्त में रख लेगा ताकि अगर ये दोबारा हमलावर होंगे तो मैं इनका तोड़ मेरे पास पहले से मौजूद होगा, जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं, तो वो सिस्टम को ये सपोर्ट कर रहा होता है अडॉप्टिव इम्यूनिटी। अब इस वजह से कि इसने थोड़ा स्पेसिफिक काम करना है, इसने याद रखना है, इसकी एबिलिटीज बहुत ज़्यादा ज़्यादा हैं अगर मुवाजना करें इननेट इम्यूनिटी से, तो ये थोड़ा सा देर में रिस्पॉन्ड करता है, यानी ये 2-4-5 दिन बाद रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन ये इस कदर ज़बरदस्त है ये वाली इम्यूनिटी कि ये फिर कई कई महीनों सालों तक भी ये एक्टिव रहती है, यानी ये उसको याद रख लेती है और फिर जिस्म को आप कह लें इस कदर स्ट्रॉन्ग बना देती है कि दोबारा वो हमलावर आए तो आपको कोई टेंशन ना हो, आप उसको आसानी से कवर अप कर लें। अगर आगे हम बढ़ें तो आइडेंटिफिकेशन जो है जो हमलावर होते हैं उनकी किसी भी कंट्री के जो इदारे होते हैं वो कर रहे होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो अंदर घुल मिल गए हैं, टेररिस्ट हैं, तो वो उसको बड़ा नपे तुले अंदाज में कन्फर्मेशन के बाद काउंटर अटैक कर रहे होते हैं, उसको पकड़ रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी की हमने बात की वो इसी तरह से उन वायरस बैक्टीरिया उन मसायल को वो याद भी कर लेता है, अच्छी तरह तलाश भी कर लेता है, पहचान भी कर लेता है, और फिर वो उनको जिस्म से उखाड़ फेंकता है, बाहर निकाल देता है या ख़त्म कर देता है। उनको जो जंग है इम्यूनिटी और वायरस के दरमियान, या इम्यूनिटी और बैक्टीरिया के दरमियान, या इम्यूनिटी और इन्फेक्शन के दरमियान, वो जीतता है ये अपनी सलाहियतों की बदौलत, अपनी जहानत की बदौलत। अब हम एक वर्स्ट बुरी सूरत हाल को देख लेते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी भी कंट्री का डिफेंस सिस्टम अगर फेल हो जाता है, दिफाई जो इदारे हैं वो हार जाते हैं, उनकी शिकस्त हो जाती है, तो फिर हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, सिविल वॉर हो सकती है, खाना जंगी हो सकती है, दीगर प्रॉब्लम्स सर उठा सकते हैं, ठीक है, बहुत बुरी सूरत हाल में पूरा वो कंट्री ख़त्म हो सकता है। इसी तरह हमारा जो बॉडी है उसमें जब आप कह लें इम्यूनिटी हार मानती है, इम्यूनिटी शिकस्त खा जाती है उस वायरस से जो सामने से तगड़ा है और इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, तो दो सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है, यानी इम्यून सिस्टम बुखला जाए, पागल हो जाए, कि वो अपने ही जो उसके हथियार हैं वो उन्हीं को ख़त्म करना शुरू कर दे, जो अपने उसके किलर सेल्स हैं, जो मुकाबला करने वाली फोर्सेज हैं, उनको ख़त्म करना शुरू कर दे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इम्यून डेफिशिएंसी हो जाए, यानी इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही हार मान जाए और कुछ भी करने से इनकारी हो जाए। ये वो सूरत हाल हैं जिनमें सामने वाला मरीज जो है वो बीमार पड़ जाता है और बुरी सूरत हाल में आ जाता है। और सबसे बुरी सूरत हाल क्या हो सकती है कि खुदा ना खास्ता वो जो वायरल अटैक था, वो जो सामने जो प्रॉब्लम था वो इस कदर स्ट्रॉन्ग था कि उसने पहले ही झटके में इम्यूनिटी जो बहुत ज़्यादा वीक थी उसको ख़त्म कर दिया और एक जान जो है वो चली गई।
तो अब हमने ये देखना ही है कि किस तरह से हमारा जो इम्यूनिटी है, जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है, जो अंदर ताकतवर समझदार घोड़े अल्लाह तबारक ने रख छोड़े हैं, जो ऐसा निज़ाम दे दिया है, उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग किस तरह रखा जाए और मज़ीद डैमेज होने से कैसे बचाया जाए। सबसे पहले इम्यूनिटी जो है वो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट से सादा सी कि आप जो खा रहे हो वो खालिस हो, वो नामियाती हो, यानी वो खाद केमिकल पेस्टिसाइड फ्री हो, और उसके बाद जो आप पानी पी रहे हो वो साफ सुथरा हो। साफ सुथरे से मुराद उसके अंदर कोई बैक्टीरिया ना हो, उसके अंदर कोई जरासीम ना हो, फजले वगैरह से वो पाक हो, उसकी जिस्म में जज्ब होने की सलाहियत अच्छी हो ताकि वो अपना काम कर सके, जिस्म में अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो गए। फिर अगली चीज़ जो है वो है बेहतरीन हवा, यानी आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो अच्छी हो, साफ सुथरी हो, उसके अंदर फांसे मादे ना हो या इंतहाई कम हो, और अच्छी चीज़ें ऑक्सीजन वगैरह वो भरपूर मिकदार में मौजूद हो। अब ये जो हमारा सिस्टम है, इम्यूनिटी है या दीगर जो निज़ाम है, उनके ऊपर बोझ बन रही हैं कुछ चीज़ें जो कि हमें चाहिए कुछ और था, देते हम कुछ और हैं। तो उसको हम स्टेप बाई स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो गिज़ा खाते हैं वो जहरीली है। जहरीली से मुराद खाद जो है वो उसके अंदर अब एक लाजमी जुज बन चुकी है। आज से 30 साल पहले किसी भी गिज़ा में, चाहे वो गंदम है, चाहे वो फल हैं, सब्जियां हैं, उनके अंदर खाद का जो है इस्तेमाल नहीं होता था। नेचुरल खाद यूज़ होती थी, और फर्दर जो पेस्टिसाइड हैं वो भी आज कॉमन हो चुके हैं क्योंकि बीमारियाँ इस कदर आ चुकी, पौधे फल सब्जियाँ हर चीज़ उसका शिकार होती हैं, तो बहुत ज़्यादा कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे जो है वो किया जाता है। फिर तीसरी जो चीज़ है, हम मुख्तलिफ बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, तो वो उनको एक लंबी शेल्फ लाइफ के लिए हमेशा प्रिजर्वेटिव से जो है मुजयन किया जाता है, उनके अंदर महफूज रखने वाले केमिकल्स डाले जाते हैं। वो महफूज रखने वाले केमिकल्स जो हैं ये उनकी लाइफ तो बढ़ा देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें जो है वो प्रॉब्लम की तरफ ले जाते हैं। सोडियम बेंजोएट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक प्रिजर्वेटिव है, और ये ले जाता है बहुत सारे लोगों को कैंसर की तरफ। इसी तरह जो दूसरी अहम चीज़ है, हमें आज तक किसी ने एजुकेट नहीं किया कि हमें असासी गिज़ा अल्कलाइन गिज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप 5 किलो रोज़ाना गिज़ा खाते हैं तो उसमें 4 किलो जो है वो असासी गिज़ा होना चाहिए, सिर्फ 1 किलो तेजाबी गिज़ा की गुंजाइश है। लेकिन बदकिस्मती से हम सुबह से लेकर रात सोने तक जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके अंदर बेकरी आइटम्स हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पकी हुई सालन है, डिशेज हैं, उसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसालेदार मुरगन गिज़ाएँ हैं, ये तमाम की तमाम जो हैं ये तेजाबी गिज़ा बन जाती है। यानी कि हमारे जो जिस्म की जो पीएच है, जो हमारी नौयत है जिस्म की, उसको ये तेजाबी कर देती है, और तेजाबी पीएच जो है वो आइडियल हो जाती है बहुत सारे अमराज के लिए, जिनमें सारे फहरिस्त जो हैं वो शुगर है, कैंसर है, और दिल के अमराज हैं, और दीगर बहुत सारे। तीसरी जो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है वो है दौरे जदीद का मीठा, जिसमें चीनी है, और फिर चीनी से एडवांस मीठा एस्पार्टेम है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारा लाजमी जुज़ बन चुकी हैं। चीनी हम लोग रूटीन मैटर्स में खुद ला के यूज़ कर रहे होते हैं। एस्पार्टेम जो है ये जितने पैक जूसेज ड्रिंक्स हम लोग यूज़ करते हैं उनके अंदर ये मीठे के तौर पर यूज़ किया जाता है। आज से 60-70 साल पहले इसको बड़े दुनिया के नामवर इदारों ने महफूज कहा था, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ कि जिस बिना पे, जिन रिसर्चेस की बिना पे ये जान लिया गया कि ये सेफ नहीं है, लेकिन उन बड़े इदारों ने आज तक इस डिसीजन को वापस नहीं लिया है। तो नतीजे में ये यूज़ हो रहा है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियों की तरफ धकेल रहा है। यहाँ पे सादा सा कॉन्सेप्ट मैं समझा दूँ आपको कि हमारा जिस्म को मुख्तलिफ गिज़ाई अज़ा दरकार होते हैं, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और दीगर गिज़ाई अज़ा, और जो गिज़ा हम खाते हैं उससे वो गिज़ाई अज़ा भी मिलते हैं, और फिर हरारे भी पैदा होते हैं, यानी हमारा जिस्म जो है वो कैलोरीज उसको मिलती हैं और वो अच्छा परफॉर्म करता है। इन दोनों मीठे के हवाले से ये अहम चीज़ है कि ये कैलोरीज बहुत ज़्यादा दे देंगे, लेकिन इनके पल्ले कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। नतीजे में क्या होगा कि आप जब रोज़ाना इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको नेचुरल जो इन्ग्रीडियंट्स हैं बज़ाहिर उनकी ज़रूरत कम महसूस होती है, आपको भूख कम लगती है, आप उतना जल्दी नहीं थकते अगर आपने ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं चाय में या किसी भी चीज़ में डाल के। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर उन गिज़ाई अज़ा की कमी होती चली जाती है। तो वो कमी जो है जब होती है तो जिगर को अल्लाह तबारक व तआला ने यह सलाहियत दी है कि जो गिज़ाई अज़ा आप नहीं खा रहे उनको वो ज़ाती तौर पे केमिकल रिएक्शन के जरिए प्रोड्यूस कर लेता है।
अब यहाँ पे जिगर की इस वर्किंग को हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमारा मोबाइल है, उसकी एक बैटरी है, उसके 100 आप कह लें 100% वो बैटरी है। तो अगर आपको के पास चार्जर नहीं है तो आप उसको बहुत देखभाल के इस्तेमाल करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर चले, ज़्यादा टाइम निकाल जाए, क्योंकि आपके पास चार्जर मौजूद नहीं है। अगर आपके पास चार्जर भी नहीं है और आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो अल्टीमेटली वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो जिगर की भी आप कह लें कैपेसिटी है केमिकल रिएक्शंस के जरिए गजाई अज़ा बनाने की। जब हम आदत बना लेते हैं कि हम कुछ भी अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सलाद फल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम गजाई अज़ा नहीं दे रहे जिसम को, और इस तरह के मीठे लगातार इस्तेमाल किए चले जा रहे हैं, तो वो बर्डन जो है वो सारे का सारा जिगर संभाल रहा होता है, और जो उसकी आप कह लें सलाहियत है गजाई अज़ा बनाने की, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। यानी आप कह लें कि जो हमारे बड़े आज से 20-30 साल पहले जी रहे थे, वो 100-100 साल के हो के अगर दुनिया से जा रहे थे तब भी उनका जिगर बिल्कुल फिट था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ रही थी, वो उसको बड़ा सींद सींद के बड़ा संभाल के इस्तेमाल कर रहे थे, वो नेचुरल गिज़ा इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे फ़ायदा क्या हो रहा था कि उनके लीवर पर कोई बोझ नहीं बन रहा। लेकिन हमारे साथ उलट है, तो अल्टीमेटली आज 40-50 साल में जिगर जो है वो जवाब दे जाता है। अगली जो चीज़ है वो है स्टीराइड्स। स्टीराइड्स बुनियादी तौर पर ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो किसी भी अमल को तेज तर कर दे। स्टीराइड्स जो हैं वो आजकल बॉडी बिल्डिंग में यूज़ हो रहे हैं, खुराक में ऐड कर दिए गए हैं, मुख्तलिफ खुराकों में, एनर्जी ड्रिंक्स में शामिल कर दिए गए हैं, ताकि आप खाएँ तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए, आप एक दफ़ा उठ के खड़े हो जाएँ और आप भाग दौड़ करें और अपना काम जो भी आप निपटा रहे थे, चाहे वो जॉब थी या कुछ भी था, वो आप अच्छे अंदाज में निपटा लें। लेकिन अल्टीमेट लॉस उसका क्या हो रहा है कि हमारा बॉडी जो है वो उनका आदि आदि हो रहा है, और फिर जो है वो इनके बगैर चलने से इनकारी हो जाता है। आलूदा हवा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हवा में बहुत सारे फांसी मादे आज मौजूद हैं जो पहले नहीं थे, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हम लगा चुके हैं जो पहले नहीं थी, बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए हम ऐसे ला चुके हैं जो पहले नहीं थे, दरख्त जो बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे, हम आबादी हर गुजरते दिन के साथ हर लम्हे बढ़ रही है, लेकिन दरख्त नहीं बढ़ रहे, बदकिस्मती के साथ दरख्त जो है वो कम हो रहे हैं। यानी जिस सोर्स से, जिस जरिए से हमें ऑक्सीजन मिलना है वो उसको ख़त्म किया जा रहा है, और जिन्होंने यूज़ करना है, जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, ये बहुत सारे नफसियाती अवारस को जन्म देता है। हम देखते हैं कि बड़े शहरों में माइग्रेन और इस तरह के दीगर मसाइल, नफसियाती मसाइल, दिमागी मसाइल, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई कम है। आपको दूर दूर तक कोई दरख्त नज़र नहीं आता, लेकिन उसी 1 किलोमीटर के एरिया में आपको लाखों इंसान नज़र आते हैं। तो नतीजा ऑक्सीजन की कमी और फिर उससे होने वाले बहुत सारे अमराज। मजीद आगे चलते हैं हम लोग, पानी जो है बहुत सारी जगहों पे तो वैसे ही आलूदा है दिखने में, लेकिन बहुत सारे जगहों, बहुत सारे देहातों में, छोटे शहरों में ऐसा है कि देखने में वो पानी साफ है, लेकिन अगर वहाँ एक वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लगा लिया जाए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिया जाए कोई भी छोटा मोटा एक घर की जरूरियात के लिए, तो हफ्ते 15 दिन महीने के बाद वो ऐसा हो जाता है कि उसको देखते हुए भी आपको कराही आती है। तो वो पानी जो बहुत ज़्यादा कचरा लिए हुए है लेकिन दिखता साफ है, हम लोग समझते हैं कि चूंकि साफ दिख रहा है तो इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं, तो जब वो हमारे जिस्म के अंदर जाता है, सबसे पहले तो उसकी अपने जो जिस्म में जज्ब होने की सलाहियत है वो बहुत कम है, दूसरे नंबर पे हम पानी पीते थोड़ा हैं, फिर जो पीते हैं वो फासे मादे हमारे जिस्म के अंदर छोड़ता हुआ बाहर जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे ऑर्गन जो है वो जवाब दे रहे हैं, वो उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और वो अपना काम छोड़ रहे हैं। आखिरी जो चीज़ है वो है स्ट्रेस। आज हम सारे माशरती, घरेलू, अजदवाजी हर तरह की परेशानियों का शिकार हैं। अगर किसी को पैसा ज़्यादा आ रहा है तो वो भी परेशान है कि मैं इसको संभालूं कहाँ, कहीं चोरी ना हो जाए। जिसको कम आ रहा है वो ये सोच सोच के परेशान है कि ये बढ़ेगा कैसे। जिनकी शादी नहीं हुई है वो परेशान है कि शादी हो क्यों नहीं रही। जिनकी हो चुकी है वो उसके वसाइल को लेकर परेशान है कि इसको आगे किस तरह बढ़ाया जाए। जिनके बच्चे नहीं हुए हैं वो इस वजह से परेशान है कि कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट लिया जाए कि बच्चे हों। और जिनके हो चुके हैं वो इस परेशानी में है कि इनके स्कूल के फीसेज, इनके पैम्पर्स, इनके दीगर अखराजात किस तरह से मैनेज किए जाएं। तो ये सारे दो तरफा आप कह लें स्ट्रेस में हैं हम लोग, दोनों तरफ टेंशन है, हाँ में भी और ना में भी। तो ये सारा जितना बर्डन है ये अल्टीमेटली हमारे इम्यूनिटी, हमारा मुदाफ़त निज़ाम, हमारे अंदरूनी ऑर्गन, उनकी जो कारकर्दगी है उसको दबाता चला जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ देखेंगे, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं हमें, लाइक एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो हमारे मेदे आंतों को डिस्टर्ब कर रहा होता है, अल्सर कर रहा होता है। देन बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, वायरल बुखार हो जाते हैं,
फ्लू हो जाता है, उसके अलावा और दीगर बहुत सारे वायरसेज हैं जैसे हेपेटाइटिस है, इस तरह के मसाइल डायरेक्टली भी ये वायरस अपना काम कर रहे होते हैं और इनडायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी को दबा के भी प्रॉब्लम पैदा कर रहे होते हैं। जैसे गंठिया का यहाँ आप नाम देख रहे हैं, आर्थराइटस जिसको कहा जाता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है, वो अपने ही खिलाफ काम शुरू कर देता है, वो खिला जाता है। देन बहुत सारे ऐसे अमराज जिनमें कैंसर, डायलिसिस, यहाँ भी आपको अदम तवाजन नजर आता है, यानी कोई ऑर्गन उसके अंदर डिपॉजिट इतने पड़ गए कचरे के कि वो काम से इनकारी हो गया। मिर्गी है, दमा है, एलर्जी है, दीगर बहुत सारे अमराज हैं जिनमें कहीं ना कहीं अदम तवाजन नुमाया है। अब सोल्यूशन क्या है इम्यूनिटी को अपडेट करने के लिए, उसको आपको दिमाग रखने के लिए बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। नेचर में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल सोल्यूशन रखे हैं, तो एक ज़बरदस्त सोल्यूशन, रैपिड सोल्यूशन, फास्ट सोल्यूशन जो यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ वो एक मशरूम के हवाले से है। नेचुरल मशरूम है, गिज़ा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मुशावरत के, अगर आप इसको समझ जाते हैं। इस मशरूम का जो नबाताती नाम है वो गैनोडर्मा लूसीडम है, साइंसी नाम है ये, याद हो जाए वेलन बोर्ड नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, दूसरा नाम याद कर लें। गैनो बोलते हैं चमकदार को, डर्मा बोलते हैं जिल्द को, तो चमकदार जिल्द वाली खुम्बी भी कहा जा सकता है इसे। देन ऋषि, इसको जैपनीज कौम ने नाम दिया है, वो बहुत मानते हैं इसको, मुख्तलिफ अमराज के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च जैपनीज इदारों की मिलेंगी। देन लिंगजी जो है ये चाइनीज़ नाम है, चाइनीज़ खुम्बी भी कहा जाता है इसे क्योंकि बहुत ज़्यादा कसरत से होती है चाइना में। गैनोडर्मा डीएक्सएन जो प्रोवाइड कर रहा है वो आपको पाउडर फॉर्म में भी कर रहा है, उसके अलावा कुछ मुवालिक में कैप्सूल फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान में ये इस तरह की पैकिंग में जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आपको दस्तियाब होता है। ये मशरूम बहुत चमकदार रहता है चूँकि ये हम खुद फॉर्म करते हैं अपने फार्म हाउसेज में। नेचर में ये कम मिलता है, बहुत ज़्यादा घने ऊँचाई वाले दरख्तों को अगर आप तलाश करते हैं, दो खास किस्म के दरख्त हैं ऊंचाई वाले इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती हो और अंधेरा रहता हो, वहाँ गिरे हुए दरख्त ढूंढे उन दो अकसाम के, तो उसमें आपको ये चंद एक के ऊपर दस्तियाब होगा। अगर ये 90 डेज का है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदे देगा आपकी फ़िटनेस के लिए, लेकिन अगर पहले उतारा या बाद में उतारा तो उस कदर अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से इसकी फार्मिंग जो है वो ज़रूरी थी, और डीएक्सएन भी फॉर्म कर रहा है गुज़िश्ता 28 साल से, और 10 साल उससे पहले डॉक्टर लिम की रिसर्च है, तो ये 38 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपको डीएक्सएन के इस मशरूम में मिलेगा। अब हम आते हैं माजी बईद के हवाले से, यानी आज से 3000, 4000, 5000 साल पहले इसकी मौजूदगी थी या नहीं। तो विकिपीडिया एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसपे आप पुरानी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो लिंगजी मशरूम इसका पुराना नाम अगर आप इस पर डालेंगे तो आपको वहाँ कुछ ऐसी बातें मिलेंगी कि पुराने ज़माने के लोग इसको रूहानियत की हामिल मानते थे, मुकद्दस मानते थे, यानी जिस घर में ये होगी उनका अकीदा था कि वहाँ बीमारी नहीं आएगी, वहाँ आप कह लें पैसे की कमी नहीं आएगी। फिर वो इसको पुरस्कार भी मानते थे कि पता नहीं इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको इस कदर आउट क्लास बना देती है, क्योंकि उस वक्त रिसर्च नहीं थी, सिर्फ सुनी सुनाई बातें थी, भरपूर कारकर्दगी की हामिल भी वो मानते थे इसे। 2000 साल से इसका अद्वियाती इस्तेमाल हो रहा है, यानी इसको मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ। 4000 साल से इसकी मौजूदगी के सबूत मिलते हैं। पुराने ज़माने के लोग इसको मशरूम ऑफ इमोर्टैलिटी यानी आबे हयात मानते थे, एलिक्सिर ऑफ लाइफ कहते थे, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादातर अमराज बीमारी से ही हुआ करते थे। उस ज़माने में एक्सीडेंट्स नहीं थे, जंगें नहीं थी, बहुत सारे ऐसे इशूज़ नहीं थे जो कि आज हैं। तो उनको ये लगता था कि अगर हमने बीमारी से बच लिया तो अल्टीमेटली हम मौत से बच जाएंगे, तो इस वजह से वो इसको आबे हयात बोलते थे। अब चूंकि ये नेचर में कम मिलती है तो ये उस ज़माने में सिर्फ बड़े लोग, बादशाह, बहुत बड़े बड़े लोग जिनके पास बड़े बड़े ग्रुप हुआ करते थे, वो उनको काम पे लगा देते कि जाओ तलाश करके लाओ और हीरे जवाहरात पाओ, तो सिर्फ उन्हीं की दस्तरस में थी, वही इस्तेमाल करते थे और आम बंदा इस्तेमाल नहीं कर पाता। मज़ीद जो इसकी खूबियाँ थी उनको देखते हुए पुराने ज़माने के लोगों ने इसको दी बेस्ट गिज़ा कहा था दुनिया भर में मौजूद गिज़ाओं में, तो इस वजह से इसको बादशाहों की गिज़ा तो कहा ही जाता था, गिज़ाओं की बादशाह भी कहा जाता है। अब बात आती है इस्लामिक नुक्ता निगाह के हवाले से। तिब्बे नबी का अगर आप मुताला फरमाते हैं तो उसमें आपको कमाह के नाम से एक पूरा चैप्टर मिल जाएगा, उसमें कुंबियों के हवाले से आपके फरमान मौजूद हैं, वाक़ात मौजूद हैं, किस तरह हमने साहबा कराम को कुंडी के इस्तेमाल के बारे में मशवरे दिए।
आफत का फरमान आपको मिल जाएगा उसी में, सही बुखारी सही मुस्लिम शरीफ में। कुंभी मन की एक किस्म है और इसका पानी आँख के लिए शिफा है। यहाँ मन की एक किस्म से मुराद ये है कि ये मनु सलवा जो बनी इसराइल पे तैयार आप कहने गजाएं अल्लाह तआला की तरफ नाजिल होती थी, उनका ये हिस्सा रही है कुंभी। और अब चूंकि उस जमाने में शुगर, कैंसर, हेपेटाइटिस, कोरोना और दीगर इस तरह के अमराज होते नहीं थे, तो उनकी हमें कोई हदीस नहीं मिलेगी। हाँ, जो रूटीन मैटर उस जमाने में हुआ करते थे उनके मुख्तलिफ वाक्यात हमें मिल जाएंगे। दौर जदीद का जो इंसान है ये साइंस चूँकि बहुत मानता है, तो ये साइंस ने भी बहुत काम किया है इसके ऊपर, और वो सारा काम आपको रिसर्च जो है वो आपको मिल जाती है मुख्तलिफ सोर्सेज से। एक बड़ा सोर्स मैं यहाँ आपको जिक्र कर रहा हूँ, ये पब मेड कहलाता है शॉर्टली। मेड मेडिकल के लिए है और पब पब्लिश के लिए, यानी मेडिकली जो रिसर्च हुई है उसको पब्लिश करने के लिए दुनिया भर के लिए एक इदारा है। दुनिया में कहीं भी रिसर्च हो आप इसके ऊपर पब्लिश कर सकते हैं, और अवामुन्नास दीगर लोग जिनको नहीं पता कि रिसर्च हुई या नहीं हुई वो इसके ऊपर आके उसको सर्च करके उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो इसका लिंक भी यहाँ मौजूद है। NLM जो है ये यूज़ हो रहा है नेशनल लाइब्रेरी फॉर मेडिसिन, NIH इस्तेमाल हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और .gov से मुराद है ये गवर्नमेंट की साइट है। किस गवर्नमेंट की है ये? US नेशनल गवर्नमेंट, US जो गवर्नमेंट है वो इसको लेके चल रही है, वहाँ की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन जिसको अपडेट करती है। तो इसके ऊपर जाके आपको जिस भी नेचुरल या सिंथेटिक प्रोडक्ट की रिसर्च चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसकी सर्च बार में अगर आप गैनोडर्मा लुसिडम मेंशन करेंगे तो आपको लगभग 1600 रिसर्च दस्तियाब हो जाएगी। अगर आप उसको स्पेसिफिक करते जाएं कि मुझे इम्यूनिटी की चाहिए, कैंसर, डायबिटीज, प्रोस्टेट, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, मुख्तलिफ अमराज या मुख्तलिफ ऑर्गन्स का नाम आप डालते जाएं तो आपको मुख्तलिफ तादाद जो मैंने यहाँ मेंशन की है इससे ज़्यादा आपको मिलेगी। अब इन तमाम मल्टी डायरेक्शनल एक दूसरे से उलट बीमारियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मशरूम इन तमाम में काम कर रहा है तो ये बुनियादी तौर पे कोई दवाई नहीं है। ये बुनियादी तौर पे जो जिस्म के अदम तवाजन है, जिस्म के ऊपर एक बर्डन है, जिस्म के ऊपर एक बोझ है, ये उसको ख़त्म कर देता है, सफाई सुथराई कर देता है, इम्यूनिटी को पावरफुल बना देता है, दीगर अपनी खूबियों की बदौलत ये मुकम्मल अदम तवाजन को तवाजन में ले आता है। अब यहाँ पे मैं बाकी रिसर्च तो शेयर नहीं करूँगा, लेकिन चंद एक रिसर्च इम्यूनिटी के हवाले से 130 में से सिर्फ 3 रिसर्च मैं यहाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें जितना आपको समझ आ जाए काफ़ी है, जो नहीं समझ आया उस पर परेशान नहीं हूँ, क्योंकि हम को टेक्निकल या PhD करना नहीं बैठे, जस्ट आपको ये बताना मकसद है कि ये चीज़ एक नेचुरल वेरीफाइड और रिसर्च प्रोडक्ट है और आप यकीन के साथ इसको इस्तेमाल कर सकें और तारीफ कर सकें। जो पहली रिसर्च मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ ये कॉलेज ऑफ लाइफ साइंस साउथ नेशनल नॉर्मल यूनिवर्सिटी गुआंगसू चाइना की है, ऊपर लिंक भी आपको नजर आ रहा है। ये रिसर्च है एंटी हेपेटाइटिस बी एक्टिविटीज़ के हवाले से, यानी हेपेटाइटिस जो एक वायरस है जिगर की सोजिश कर देता है उसके खिलाफ ये क्या किरदार अदा करती है। गैनोडेरिक एसिड इसके अज्जा हैं जो गैनोडर्मा लुसिडम से लिए उन्होंने। गैनोडर्मा लुसिडम जो मशरूम है ये 300-400 अज्जा पर मुश्तमिल है, उनमें से एक जो है वो गैनोडेरिक एसिड है। यह मेंशन करता है खुलासे में कि गैनोडेरिक एसिड फ्रॉम गैनोडर्मा लुसिडम, गैनोडेरिक एसिड जो कि गैनोडर्मा लुसिडम से लिए गए एट 8 माइक्रोग्राम पर ml, 8 माइक्रोग्राम पर ml के हिसाब से यूज करवाया गया, इनहिबिट उन्होंने रोका रेप्लिकेशन बढ़ोतरी को ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी हेपेटाइटिस बी के वायरस को। फिर वो आगे अंडरलाइन एरिया में वो लिखता है गैनोडेरिक एसिड एट द सेम डोजेज, इसी मिकदार में जब यूज करवाया गया गैनोडेरिक एसिड को उन्होंने सिग्निफिकेंटली प्रोटेक्ट किया, उन्होंने बड़े एहसन अंदाज में अच्छे अंदाज में हिफाजत की लिवर इंजरी से बचाने की कोशिश की जिगर को। नेक्स्ट रिसर्च जो है ये हुई है स्कूल ऑफ स्टोमेटोलॉजी वुहान यूनिवर्सिटी वुहान हुबे चाइना में। ये पॉसिबल मैकेनिज्म देख रहे हैं एंटी हर्पेटिक एक्टिविटी। हर्प सिंप्लेक्स एक वायरस है जो कि हमारे जिस्म के बैरूनी एरियाज को ख़राब करता है जिनमें मुंह है और दीगर एरियाज हैं, तो ये उसकी एक्टिविटी को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो वायरस हमलावर होता है तो उस पर इसका क्या असर होगा। और उसके लिए उन्होंने इसी मशरूम का एक और जूज है प्रोटियोग्लाइकन, उसको लिया है, आइसोलेट किया है इस मशरूम के माइसीलिया से, यानी कि नाबालिग मशरूम से, यानी अभी ये उग रहा था और मुकम्मल मैच्योर नहीं हुआ था, तो उससे उन्होंने वो लिया है। यहाँ वो लिखता है GLPG, यानी शॉर्ट कर दिया उसने गैनोडर्मा लुसिडम प्रोटियोग्लाइकन को। वो कहते हैं वाज अ बायोएक्टिव फ्रैक्शन, एक ज़बरदस्त अज्जा है
ऑब्टेन्ड जो कि लिए गए लिक्विड फर्मेंटेशन ऑफ माइसीलिया से, यानी इस मशरूम के माइसीलिया से। इट्स एंटीवायरल एक्टिविटीज इसकी वायरस के खिलाफ जो कारकर्दगी है, अगेंस्ट हर्प सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड टाइप 2, यानी दो तरह के टाइप्स में उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया। और फिर वो लिखता है कि स्टडी द मोड ऑफ एक्शन, उन्होंने इसका वर्किंग का तरीका करके कैसे काम किया, इसने एंटीवायरल खूबी किस तरह दिखाई, उन्होंने इसको ट्रीट किया जिस शख्स पे या जिस मॉडल के ऊपर वो ये तजर्बा कर रहे थे, उसको उन्होंने मसले से पहले भी ये खिलाया, मसले के दरमियान भी इस्तेमाल करवाया और मसले के बाद भी उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया और ट्रीट किया। इसमें वो लिखता है कि इसने इनहिबिट किया यानी रोका वायरल रेप्लिकेशन को, यानी वायरस की दोगुना चौगुना और उसकी बढ़ोतरी को, बाय इंटरफेयरिंग विद द अर्ली इवेंट्स, उसने इंटरफेयर किया, उसने मुदाखलत की वायरल एड्सॉर्प्शन और एंट्री इनटू टारगेट सेल, यानी कि वो जिन को टारगेट करना चाह रहे थे वो वायरल वायरस, उस इवेंट्स को उन्होंने रोका, उसमें मुदाखलत की, और इस वजह से दिस प्रोटोग्लाइकन अपीयर्स टू बी अ कैंडिडेट एंटी एचएसवी एजेंट, और इस वजह से ये वाले जो जूस हैं इस मशरूम के, वो उनको लगता है कि ये एक हर्प सिंप्लेक्स वायरस के खिलाफ एक जबरदस्त हथियार है। नेक्स्ट रिसर्च हम देख लेते हैं। ये रिसर्च जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी सेकंड एफिलिएटेड हॉस्पिटल शेंडोंग यूनिवर्सिटी जिनान चाइना में हुई है रिसर्च। यहाँ वो लिखता है डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स, यानी मुख्तलिफ अज्जा, ऐसे जो मादनी अज्जा हैं उनको उन्होंने इसमें देखा है किरदार को एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी फ्लू करने वाले वायरस के खिलाफ किरदार को, और ऐसे मशरूम यूज किए जो फ्लू के खिलाफ काम कर सकते थे। अब यहाँ पे खुलासे में वो लिखता है कि वी हैव डिटरमिन्ड द ट्रेस एलिमेंट कंपोजिशन, वो कहता है कि हमने पहले समझने की कोशिश की कि एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस मशरूम्स कौन से हैं और उनके अंदर कौन से मादनी अज्जा मौजूद हैं। तो सबसे पहले देखता है कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन गैनोडर्मा लुसिडम, इस मशरूम के अंदर जो ज्यादा मिकदार में मादनी अज्जा पाए गए वो सेलेनियम, आयरन और जिंक है। फिर वो लिखता है कि हाईली सिग्निफिकेंट इंक्रीज वैल्यूज, यहाँ वो मेंशन करता है सेलेनियम, जिंक और मैग्नीशियम जो इस मशरूम में पाए गए मे प्ले अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल, उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना रोल प्ले किया एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस नेचर के खिलाफ, यानी कि वो वायरस जो इन्फ्लुएंजा पैदा कर रहे थे, फ्लू पैदा कर रहे थे, नमूनिया टाइप कंडीशन पैदा कर रहे थे, उनके खिलाफ काम किया इन मादनी अज्जा ने। दे मे हैव प्रोवाइड प्रोफाइलैक्टिक प्रोटेक्शन, प्रोफाइलैक्टिक बोलते हैं कि एडवांस में, यानी कि अगर किसी को अभी नहीं हुआ और वो इस्तेमाल करता है तो वो अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहा है इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन की तरफ, वाया स्टिमुलेशन ऑफ होस्ट इननेट इम्यून रिस्पॉन्स, यानी उस जो इम्यूनिटी है हमारी क्विक रिस्पॉन्स करने वाली, उसको स्टिमुलेट कर दिया इन मशरूम्स के इन मादनी अज्जा। अब ये रिसर्च सिर्फ हमने शेयर की है आज, चूंकि हम इम्यूनिटी को देख रहे हैं तो हमने इम्यूनिटी वाली रिसर्च को नजर डाली है, लेकिन इसी तरह आपको तमाम अमराज में रिसर्चेज दस्तियाब हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं और मजीद इसके ऊपर अपना नॉलेज वसी कर सकते हैं। अब कुछ सादा सी बातें हो जाए, बहुत सारे लोग पबमेड को नहीं जानते, बीबीसी से वाकिफ हैं, बीबीसी चैनल ने ऐसे रिसर्चर्स को मधु किया जो कि मोटापे के वाले से रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने इस मशरूम का किरदार देखा कि किस तरह से ये मोटापे को कम कर सकता है, फिट रख सकता है, आपको स्मार्ट रख सकता है, आपके अंदरूनी निज़ामों को फिट रख सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, दरख्त है जो गिरा हुआ है, ख़त्म हुआ हुआ है, मजीद आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये उसकी लकड़ी से आपको ये मशरूम उगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये ज़हन में बिठा लें कि ये मशरूम जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुर्दा तनों पर हो सकता है, दरख्तों पर हो सकता है, ये ज़मीन पर नहीं उग सकता, इसी वजह से कंपैरेटिवली ये बिल्कुल सेफ है, ये जहरीला नहीं हो सकता, ये आपको सेहत की तरफ ले जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, खुम्बी की अकसाम बहुत सारी हैं, आपने पिज़्ज़ा, सूप, मशरूम सालन के तौर पे यूज़ किए होंगे और उनसे फ़ायदे उठाए होंगे, टेस्ट लिया होगा। खुम्बी की अकसाम दुनिया में 38,000 अब तक दरियाफ्त हो चुकी हैं, उनमें 2,000 खाने के काबिल हैं, यानी डिशेज में इस्तेमाल कर लें या फिटनेस के लिए इस्तेमाल कर लें, 200 में अद्वियाती फायदे मौजूद हैं और 6 बहुत अमेजिंग हैं, उन 6 को हमारे जो पानी हैं डॉक्टर लेम डिक्सन के, उन्होंने टिश्यू कल्चर के जरिए एक बना लिया है और अब हम उसकी खेती करते हैं, कल्टीवेट करते हैं और अवाम नास्तक पहुंचाते हैं।
किस तरह से ये कल्टीवेट होता है हमारे फार्म हाउस के अंदर, वही नेचुरल जो आप कह लें एक माहौल है उसको दे दिया जाता है, जिसमें इसको अंधेरा चाहिए तो शेड अंधेरे में शेड जो बनाए जाते हैं उनमें अंधेरा रखा जाता है, फिर इसको लकड़ी का तना चाहिए तो आपको बैग नजर आ रहा है उसके अंदर लकड़ी का बुरादा भरा हुआ है, वो एक मुर्दा तना मिल गया इसे, फिर उसके बाद इसको बहुत ज्यादा नमी चाहिए बारिश चाहिए तो इसका जो शेड बनाए जाते हैं उसके अंदर बारिश का प्रॉपर निजाम रखा जाता है, शॉवरिंग होती रहती है, पानी ऊपर से टपकता रहता है और उसमें ये परवान चढ़ता है। अब यहाँ पे दो हालतें नजर आ रही हैं, एक शुरुआती हालत है 18 दिन बाद कैसा होता है और फिर एक 90 दिन बाद की आपको दिखाई दे रही है। 90 दिन में ये मुकम्मल तैयार हो जाता है और 18 दिन में ये एक इमेच्योर मशरूम होता है यानी माइसीलिया होता है। जो 18 दिन वाला है उसको समझने के लिए डीएक्सएन ने अपना नाम दे दिया है जीएल का और 90 डेज वाले को नाम दे दिया आरजी का। कुछ मुल्कों में ये अलग अलग कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, कुछ मुल्कों में अलग अलग पाउडर फॉर्म में आते हैं, पाकिस्तान में ये दोनों 50-50 के रेशियो से ऑलमोस्ट ये एक ही पैक में आपको ऋषि पाउडर के नाम से दस्तियाब हो जाते हैं। अब ऐसा क्या है कि इन दोनों को अलग अलग लिया जाता है? ये एक आपको खलिये का एक लुक दिखाई गई है, हमारे बॉडी जो है वो खलियात पर मुश्तमिल है। जो जीएल है 18 डेज वाला 18 दिन वाला वो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को रेगुलेट करता है, मॉड्यूलेट करता है, उसको फिट करता है, उसको अपडेट अप टू डेट करता है। तो इस वजह से हमारे जो सेलुलर वॉल है, हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है, हमारे वाइट सेल्स हैं, हमारा दीगर इम्यूनिटी सेल्स हैं, वो ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। और जो 90 डेज वाला है इसके अंदर जो अज़ा मौजूद हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ा से नवाजा इसे, वो पूरे जिस्म को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं, हर ऑर्गन से फासे मादों को बाहर भेजना, ऑक्सीजनेशन बढ़ाना, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाना और इस तरह के दीगर बहुत सारे काम वो कर रहे होते हैं। तो ऐसे समझ लें कि एक डिफेंस सिस्टम एक्सटर्नल का काम कर रहा होता है यानी फौज का, और एक इंटरनल डिफेंस का काम कर रहा होता है यानी कि पुलिस का, यानी अंदर से कचरा को तलाश करके बाहर भेजा जाए और एक एक्सटर्नल जो हमलावर है उनसे बचाने के लिए जो जीएल है वो अपना काम कर रहा होता है। अब किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये फेज आगे बढ़ता है, तो इसमें सबसे पहला मुकला जो है वो स्कैनिंग का है, यानी जब ये बतौर गजा हमारे जिस्म में जाना शुरू करेगा तो ये मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं, बर्डन है, फासे मादों का जमे गफीर है किसी ऑर्गन में, किसी खलियात में, या इम्यूनिटी की अदम तवाजन है, या किसी भी जो अंदर निज़ाम चल रहे हैं उनमें इम्बैलेंस है, ये उनको तलाश कर लेगा। दूसरे मरहले में ये एक्शन लेना शुरू करेगा और फासे मादों से भी बाहर देना शुरू करेगा। जैसे जैसे फासे मादे बाहर जाएंगे तीसरा फेज की शुरुआत होती चली जाएगी, इम्यूनिटी मॉड्यूलेट होनी शुरू हो जाएगी यानी नॉर्मल हालत में आनी शुरू हो जाएगी। अगर वो ओवर काम कर रही थी तो अब चूंकि उसके ऊपर बर्डन हट गया, अब वो फ्रेश हो गई, उसको तमाम जो अज्जा चाहिए थे वो मिलना शुरू हो गए, तो अब वो क्या है कि अपनी वो अपने आप को दुरुस्त कर लेगी। अगर वो कम काम कर रही थी तो वो तवाना हो जाएगी और वो अपने आप को करेक्ट कर लेगी। यानी जो ऑटो इम्यून डिजीज है जहाँ वो बुकलाया हुआ था, अपने खिलाफ काम कर रहा था, वहाँ भी काम आएगा ये मशरूम, और वहाँ जहाँ इम्यूनिटी बिल्कुल सत्यानाश हो चुकी थी वहाँ भी ये क्लिक करेगा। चौथा जो फेज है वो सेल्फ रीजनरेशन का है। जब बुनियादी तीन आपके फेज हो चुके, आपका बॉडी के अंदर से कचरा बाहर जा चुका, ट्यूनिंग हो चुकी, इम्यूनिटी अपना जबरदस्त काम पे आ चुकी है, फिट हो चुकी है, तो अब क्या है कि वो इम्यूनिटी आपके जो सेल्स का बनना टूटना है वो उसको संभाल लेगा। अब वो उस प्रोसेस को जब संभाल लेगा तो आपका जो बुढ़ापा है, जो एजिंग है, जो खलियात का खत्म होना है, जो दिन ब दिन नीचे की तरफ जाना है, उसको ब्रेक लग गई और आप अब रिवर्स जैसे जैसे आप यूज करते चले गए आप वापस बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गए, आप अपनी फिटनेस की तरफ आना शुरू हो गए। तो वो लोग जो एंटी एजिंग कुछ यूज करना चाहते हैं वो इस मशरूम को रेगुलर यूज में रखें, जो सिर्फ वक्ती फायदे चाहते हैं वो कुछ अर्सा इस्तेमाल करके इसको ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब बेहतरीन तरीका इस्तेमाल क्या रहेगा, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जो मेरे जाती तजर्बात हैं मैं वो आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो पानी जो आप पीते हैं कोशिश करें वो फिल्टर्ड भी हो और बॉयल भी हो। फिल्ट्रेशन से वो पानी जो है वो साफ सुथरा हो गया, उसके अंदर जरासीम नहीं रहे, वो बिल्कुल क्लियर है। और बॉयल करने से जो मॉलिक्यूल ने मिल के गुच्छे बनाए हैं, क्लस्टर बनाए हैं, वो सब अलग अलग हो जाएंगे और उस पानी की जज़ब होने की सलाहियत आपके जिस्म में बहुत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप पानी पीते हैं फिल्टर और उबला हुआ, तो आप खुद को पानी नहीं दे रहे बल्कि आप समझ लें एक फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं। अब इसमें आपने जो पानी इस्तेमाल करना है वो गर्म हालत में इस्तेमाल नहीं करना, वो नॉर्मल हो यानी पहले से फिल्टर और उबाल के रखा हो। नाश्ते या लंच के बाद 1-1.5 घंटे के बाद आप इसकी डोज बना सकते हैं, क्योंकि खाने के साथ पानी या लिक्विड कोई भी पीना वो मुनासिब नहीं है। बनाने का तरीका क्या रहे,
जो भी पानी की मिकदार लेनी है वो 2 गिलास या 3 गिलास है, वट एवर जो भी आप लेते हैं अपने कंडीशन के हिसाब से। अगर कोई ऐसा मसला है जिसमें पानी ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं, तो आपको पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई ऐसा मर्ज नहीं जिसमें पानी इशू है, तो फिर आप पानी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो आप उसमें जो भी मिकदार ऐड करना चाहें कंडीशन के हिसाब से। अगर आप स्टेबल हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, रूटीन मैटर्स हैं, या आप फिट हैं, सिर्फ प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, तो आप कम मिकदार से शुरू कर सकते हैं। अगर मसला गंभीर है जिसमें खुदा नखास्ता कुछ भी बुरा होने का चांस है, तो आप बड़ी मिकदार इस्तेमाल करेंगे। अब वो पानी के अंदर आपने ऐड कर ली, पहले पानी लिया, फिर आपने मतलब मिकदार ऐड कर ली, देन आपने बॉटल को कैप लगा के 100 टाइम्स शेक करना है। इससे पोटेंटाइज हो जाएगा, उसकी एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगा, आपके जिस्म में होने की सलाहियत बढ़ जाएगी। देन आप उसको इकट्ठा पीने की बजाय आप छोटे छोटे सिप लेते हुए उस 2 गिलास 3 गिलास या जो भी आपने बनाया उसको 3 से 4 घंटे में इस्तेमाल करें। उस दरमियान आप कुछ खाना पीना चाह रहे हैं, कुछ आपको कोई मेडिसिन लेना है, वट एवर जो भी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा थोड़ा करते हुए इस्तेमाल करें। अब जो मिकदार बनाई है उसको आप फ्रिज में रख के ठंडा ना करें, क्योंकि ठंडे में हमने ये देखा है कि ये बिल्कुल अपना काम छोड़ देता है और कोई प्लस माइनस आपको कुछ अच्छा जल्दी नहीं दिखाता। और गर्म करने में ये बहुत ज़्यादा रैपिड काम शुरू कर देता है, तो वो रैपिड जो है वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से फंसने माते निकालना शुरू करेगा, आपका वाशरूम आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप थोड़ा आवाज़दार आ सकते हैं। तो इस वजह से आप उसको रूम टेम्परेचर पर रखें और उसी हालत में इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीएक्सन का ही गैनोडर्मा क्यों यूज किया जाए, बड़ा अहम सवाल है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि फलां ब्रांड जो है, फलां ऑनलाइन साइट से, चाइना से, ताइवान से ये सस्ता मिल रहा है, तो आप बिल्कुल आपका राइट है, आप मंगवा के यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फर्क बताता चलूं क्यों हमारा गैनोडर्मा दूसरों से मुमताज है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे जो फाउंडर हैं उनकी रिसर्च है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, 38 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है इस मशरूम की कल्टिवेशन के हवाले से। फिर हम जो मशरूम कल्टिवेट करते हैं वो 6 का मजमू है, जबकि पूरी दुनिया से जो आपको मिलेगा वो 6 में से किसी 1 का मजमू होगा, 1 पर मुश्तमिल होगा। देन जो हम कल्टिवेशन करते हैं इसमें, इसको सुखाने के लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है, उसके लिए हम फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जबकि बाकी ममालिक जो है वो हीटिंग की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बॉयलिंग की। तो उसमें वो बहुत सारे अज्जा जो है वो ज़ाया कर देते हैं, जबकि फ्रीजिंग की जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर कोई जुज़ ज़ाया नहीं होता। दूसरे इदारे जो बॉयलिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं इसको सुखाने के लिए, उसमें वो बहुत ज़्यादा केमिकल भी यूज़ करते हैं, यानी वो ऑर्गेनिक नहीं रहता, वो केमिकल ज़्यादा हो जाता है। जो डीएक्सन आपको गैनोडर्मा देता है ये नेचुरल रहता है, इसके अंदर कोई खाद प्रिजर्वेटिव केमिकल वगैरह यूज़ नहीं होता, तो इस वजह से ये खालिस तरीन गिज़ा के तौर पर सामने आता है। देन डीएक्सन जो आपको मशरूम दे रहा है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी 18 डेज और 90 डेज पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी जितने इदारे हैं वो आपको शायद 90 डेज या उससे भी ज़्यादा वाला मशरूम जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जो कि कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा कड़वा, ज़्यादा केमिकल, ज़्यादा और कम फायदे देने वाला नज़र आएगा। लेकिन फिर भी आप ट्राई करना चाहें, आपका राइट है, आप कर सकते हैं। अब थोड़ा सा प्रोफाइल भी देख लेते हैं। डीएक्सएन 1993 में इसने अपने काम का आगाज़ किया, इस वक्त 5 ममालिक में फैक्ट्रीज मौजूद हैं। बेसिक जो है सबसे बड़ा सेटअप वो मलेशिया में है, 138 मसनूआत ये इदारा अब तक तैयार कर चुका है, जिसमें लगभग 40 के करीब ऐसी हैं जो इसी मशरूम से तैयार की गई हैं। 60 to 70 countries ऐसे हैं जहाँ बाकायदा ये इदारा अपने दफातर ओपन कर चुका है, बाकायदा पेनिट्रेट कर चुका है वहाँ पे, और 100+ countries ऐसे हैं जहाँ प्रोडक्ट जो है वो जा रहा है, 180 के करीब countries। बाकी मुल्कों में ऑनलाइन ऑर्डरिंग का ऑप्शन लोग यूज़ करते हैं और चीज़ें मंगवाते हैं। ये 15th largest इदारा है दुनिया भर में अपनी सेल के लिहाज से, 18,700 करोड़ का जो सेल है वो हमने गुज़त साल कवर किया। डीएक्सएन का प्रोडक्ट या डीएक्सएन का गैनोडर्मा क्यों अमेजिंग है, डीएक्सएन कल्टीवेटर भी खुद है, उगाता खुद है, प्रोसेसिंग खुद करता है, यानी तमाम पैकिंग लाइन जो है उसमें भी हिफाजती इकदाम, प्योरिटी को गारंटी किया जाता है, फिर बेचा भी अपने ही स्टोर से जाता है और उसका पूरा रिकॉर्ड, पूरी इन्वेंट्री मौजूद होती है, जो बिलिंग है वो अपडेट हो रही होती है, और उस वजह से क्या है कि कोई भी सर्विस सेंटर या फ्रेंचाइज है वो जितना तादाद इंपोर्ट हुई, एक्सपोर्ट हुई, उससे ज़्यादा वो नहीं बेच सकते, 2 नंबर नहीं कर सकते, 2 नंबर प्रोडक्ट को मूव नहीं कर सकते 1 नंबर के साथ मिला के। इंडिया में, इंडोनेशिया में, मेक्सिको और चाइना में भी हमारे सेटअप काम कर रहे हैं। इनमें कुछ पैकिंग लाइंस हैं और कुछ में कल्टीवेशन का भी सिलसिला रखा गया है, कुछ काम का आगाज़ कर चुकी हैं, कुछ मजीद आगे एक्सपेंशन की तरफ जा रही हैं।
डिक्सन पाकिस्तान ने कब आगाज किया? 2007 में इस इदारे ने पाकिस्तान में शुरुआत की। दो शहरों में कराची और लाहौर में कंपनी ऑपरेटेड ऑफिस हैं। 34 शहरों में सर्विस सेंटर्स काम कर रहे हैं। 7 अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें अब तक दे चुकी है और 35 मसनूआत के साथ यहाँ अवेलेबल हैं। 1,00,000 हमारा रजिस्टर्ड यूजर हो चुका है और गुज़त 5 साल की हमारी सेल्स रही वो 123 करोड़ रुपये की रही। वो अवार्ड्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें दिए गए हमारे फूड सप्लीमेंट पे ब्रांड्स ऑफ द ईयर अवार्ड मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की तरफ से जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी के आता हूँ, मुशीर खजाना फिर शेख के आता हूँ, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के आता हूँ, चेयरमैन चाइना रज़ा रब्बानी साहब के आता हूँ, मुशीर खजाना मुफ्ता इस्माइल साहब के आता हूँ, हमारे ऑफिशल्स को ये अवार्ड हैंड ओवर किए गए। और इसके साथ साथ हमारे प्रोडक्ट के अलावा हमारे इदारे के जो फाउंडर हैं डॉक्टर लेन पी एच डी हैं डॉक्टरेट हैं मशरूम में, उनको ब्रांड साइंटिस्ट का अवार्ड भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2 दफ़ा दे चुका है। ब्रांड साइंटिस्ट यानी इस ब्रांड के पीछे कौन किसका दिमाग है। अब एक अहम चीज़, जितने भी ब्रांड या जितना भी टाइप का गैनोडर्मा या इस तरह के फूड सप्लीमेंट्स आपको मार्केट में मिलेंगे वो तमाम के तमाम ऑनलाइन या ऑफलाइन इश्तहारात की बदौलत जो है वो बिक रहे होते हैं। यानी उनके पीछे बिलबोर्ड्स हो सकते हैं, इंटरनेट कैंपेन हो सकती है, टीवी कैंपेन हो सकती है, केबल कैंपेन हो सकती है, लेकिन डिक्सन मोबाइल ब्रांड है जिसके पीछे आपकी मेरी तमाम यूजर्स की कैंपेन है। यानी अगर मैंने ये ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे सेफ लगा, मुझे इसमें कोई डैमेज नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ायदा हुआ, तो मैंने इसको शेयर किया, मैंने आपको पहुंचाया, आपको अपना तजर्बा शेयर किया, अपना कॉन्फिडेंस बताया, अपने तजर्बात शेयर किए और फिर आप फर्दर उसको लेके चलते हैं। आप यूज़ करने के बाद जब आपको पसंद आएगा तो आप तारीफ़ करेंगे। यानी डिक्सन का मुकम्मल सेल आपकी वजह से, मेरी वजह से, ये किसी इश्तिहार की वजह से नहीं है। और यही चीज़ से मुमताज़ करती है कि जब आपको कुछ चूज़ करना है किसी प्रोडक्ट को, तो वो किसी ऐसे बंदे का आजमाया हुआ आजमूदा चूज़ कर लें जो उस प्रोसेस से गुजर चुका है, ना कि एक टीवी पे देख चलने वाला इश्तिहार देख के हम कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो सस्ता या फ्री मिल रहा हो वो लेने की तरफ जाने के बजाय हम आजमूदा को ट्राई कर लें। डिक्सन ने मज़ीद आसानी पैदा की है हम सब के लिए कि हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा जो ई वर्ल्ड का आईडी है, जो हमारा डिस्काउंट कार्ड बनता है, उसी के अंदर जाके हम अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये सहूलत मौजूद है, दीगर बहुत सारे ममालिक में ये सहूलत दी जा चुकी है, 60+ कंट्रीज अब तक हो चुके हैं जहाँ ये सहूलत मौजूद है। इन तमाम मुल्कों में आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, अहबाब हैं, उनको आप अपने रेफरेंस से इनका डिस्काउंट कार्ड बनाएं और उनको शेयर करें कि एक अच्छा प्रोडक्ट, एक नेचुरल प्रोडक्ट, एक गिज़ा को ट्राई कर लें, इस गिज़ा से बनी हुई कॉफ़ी को ट्राई कर लें, शैम्पू को ट्राई कर लें, ऑयल व्हाटएवर, जिसको भी वो बिलीव करते हैं जिस पे वो कर सकते हैं, प्योर मशरूम पे नहीं कर सकते तो इससे बनी हुई कॉफ़ी पे कर लें या दीगर प्रोडक्ट्स पे कर लें, वो इस्तेमाल कर लें। जब उनको अच्छा लगे तो बार बार ऑर्डर करें, बार बार यूज़ करें। एक चीज़ ज़हन में रहे कि पाकिस्तान में आपको वही मेयार मिल रहा है जो कैनेडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहा है। सेम पैकिंग, सेम मटीरियल, सेम क्वालिटी आपको यहाँ मिल रही है, तो आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और दोस्त अहबाब को मशवरा दे सकते हैं। उम्मीद है आपने इस सेशन को इन्जॉय किया होगा, कुछ सीखने को नया मिला होगा। इन्जॉय करें, अपने प्यारों के साथ रहें, घर पर रहें, एहतियात बरतें, डिक्सन द प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, ऑनलाइन मंगवाएं या ऑफलाइन मंगवाएं, इस्तेमाल में रखें, बीमारी से पहले भी खुदा नखास्ता कुछ मसला हो तो भी यूज़ करें, नेचुरल कुदरत के जो तहाइफ हैं उनका भी मज़ा लेने के लिए, उनको इस्तेमाल करना, उनको शेयर करना, उनको अपने पास रखना, वो बहुत ज़रूरी है कि वो काम आ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मैं इजाज़त चाहूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार है उसमें अगले माह मुलाकात होगी आपसे। दुआओं की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।